नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं कि पूरे भारत में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसमें लू लगने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसको देखते हुए बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कि बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने का आदेश आ चुका है। यहाँ पे आप लेटर संख्या देख सकते हैं 3385, डेट 29/5/2024, यानी 29/5/2024 को आपातकालीन मीटिंग की गई, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन सभी को आज से ही बंद करने का आदेश आ चुके हैं। बात करें कि बिहार के अलावा अदर स्टेट में भी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उनके भी स्टेट में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने को लेकर खबर आ सकती है। तो फिलहाल अभी आंगनबाड़ी केंद्र को बिहार में बंद कर दिए गए हैं। कितने दिनों के लिए बंद किए गए हैं, कब तक बंद किए गए हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हैं निदेशक ICDS की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, यानी कि ये लेटर जो है वो DM को जारी किया गया है। और नीचे इस लेटर का जो मुख्य विषय दिया गया है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है लू एवं भीषण गर्मी से बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का दिनांक 8/6/2024 तक संचालन स्थगित रखने के संबंध में, यानी कि ये जो लेटर है 29 तारीख को जारी किया गया है और 30 तारीख यानी 30 मई से लेके 8 जून तक आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगा। और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के तहत आप लोगों को कौन कौन से कार्य दायित्व तो करने होंगे इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है महाशय विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 29/5/2024 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आहूत आपातकालीन प्रबंधन समूह यानी CMG की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्यों में लू एवं भीषण गर्मी से उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव के आलोक में दिनांक 8/6/2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन स्थगित रखने के संबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार ICDS निदेशालय की तरफ से लेटर जारी करके आप लोगों को सूचित कर दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र को जो है कि 8 जून तक बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहे होंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र को 8 जून तक बंद किया गया है तो इस दौरान क्या आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को बुला के पोषाहार वगैरह खिलाना है या जो भी और कार्य होते हैं वो करना है या नहीं। तो देखिए इसके संबंध में अभी इस लेटर में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस लेटर में सिर्फ यही बताया गया है कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो अभी फिलहाल 8 जून तक बंद रहेंगे। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताई जाएगी। तो आप हमारे चैनल DK टेक्निकल ज्ञा को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, और यदि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और भी आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।